बढ़िया बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो, कहाँ घूम रहे थे? अरे सोलन गई थी। पेप्सी कोला हाथों दा किया, पेप्सी कोला शायद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? हम लोग भी बढ़िया है, फिर से स्वागत है आपका। सभी का बहुत बहुत स्वागत है विकेतन्स पैराडाइज में, और बहुत ही समय बाद, और जितने ज्यादा समय बाद आते हैं उतना मजा आता है व्लॉगिंग करने का मुझे तो खासकर। और ये पीछे आप लोगों ने देख लिया होगा हमारी सना, प्यारी सना। और आज का हमारा ड्रेस कोड आप देख सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। और आपको मैं दिखाऊंगी कितनी तबाही हो रखी है यहाँ पे रोड में। तो अभी हम ऐसे ही घूमने रैंडमली है, अपना थोड़ा सा राखियाँ लेनी थी अपनी बहनों की, क्योंकि सिस्टर्स काफ़ी दूर है। तो फ़ोन आया कि कहीं उन्होंने रखवाई है यहाँ पे आगे होटल में, तो वहाँ से कलेक्ट करते हैं राखियाँ लेते हैं। और आपको मैं वापसी में दिखाता हूँ कि रोड यहाँ पे कितनी ज़्यादा डैमेज हो रखी है। बट ऐसा है कि ज़्यादा नुकसान तो हुआ है, बट ऐसा है कि रिकवरी हो जाएगी। और रोड तकरीबन खुल ही गए अभी तो सारे, है ना? हाँ बिल्कुल। फ्रेंड्स, हम लोगों ने इतने टाइम से व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इतना खराब मौसम था और इतना सब कुछ हो रहा था, हम इतने सैड थे, सीरियसली डर लग रहा था। और मतलब वन नाइट वन डे तो हम लोग भी अपने घर से बाहर थे लिटरली, क्योंकि इतनी ज्यादा तबाही हो चुकी थी और बहुत ज्यादा हम डर गए थे। तो फर्स्ट टाइम इन लाइफ इतना डर लगा हम लोगों को, तो बिल्कुल भी व्लॉगिंग का मन नहीं किया इतने दिन, क्योंकि न्यूज़ ऐसी चल रही थी, अपने आसपास हम इतना कुछ देख रहे थे, तो ऐसे में हमें मतलब अच्छा नहीं लगा व्लॉग बनाना। तो आज हम थोड़े नॉर्मल हुए हैं क्योंकि आज दो दिन से मौसम ठीक है, तो इसलिए हम घर से बाहर निकले हैं और हम आज जा रहे हैं थोड़ा सा आउटिंग पे, काम भी है। और आप लोगों को दिखाते हैं, फिलहाल पहुँच चुका हूँ जहाँ पे राखी रखवाई है, तो यहाँ से ले लेते हैं। मैं आपको होटल भी दिखा देता हूँ, ये भी हम अपने गेस्ट को भी देते हैं, सो हमारे गेस्ट भी देख लेंगे वीडियोस, तो उन्हें भी आई होप पसंद आएगा। और अच्छी सर्विसेज यहाँ की है, हमारे सारे गेस्ट सेटिस्फाइड होके यहाँ से जाते हैं। सो ये देखिए आप, ऑटोमन दशीला बाग होटल की बिल्डिंग आप देख सकते हैं, अभी भी फ़िलहाल गेस्ट यहाँ पर है। सो चलते हैं यहाँ पर, कलेक्ट करते हैं अपनी राखियाँ। तो मैं होटल की रिसेप्शन भी आपको ले चलता हूँ। हेलो हेलो आदित्य भाई, कैसे हैं आप? और मजे माचो, मजे कैसे चले, कहाँ है हमारी राखियाँ? यस, थैंक यू। आपने खैर हमारे काफ़ी व्लॉग्स में देखा होगा यहाँ से व्यू, देखिए कितना प्यारा व्यू है। और घबराएं मत, वैसे तकरीबन आज का मौसम आप देख सकते हैं कितना प्यारा मौसम है। सो फ्रेंड्स, मज़े की बात यह है कि हमें यहाँ पे दादी भी मिलने वाले हैं, और देखिए क्या कोइंसिडेंस है, हमें अपने हमारी दादी भी मिल रहे हैं। ये देखिए गाड़ी आ चुकी है। नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। हेलो शेरिल, चरण वंदे, कैसे हो आप दादी? हेलो हनी, हेलो शेरिल, कैसे हो? खोलो 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 खोलो। ये देखिए शेरिल, यस अभी अभी ब्लॉग में नाम लिया और हाजिर। भाई रोड मेरे को बड़ा खराब लग रहा है, नीचे जो गाड़ी की हालत देखो क्या हुए हुए है यार। ये देखिए सना की नानी। बढ़िया बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो, कहाँ घूम रहे थे? अरे सोलन गई थी। ये वाली बात। और हमारी दादी जो है पर नानी बन गई है। यस, yes, बहुत नानी, बहुत मुबारक हो आपको, वो तो मैं भूल ही गया मुबारकबाद देने। हाँ जी हाँ जी, कुआरे बड़े। सो देखिए हमारा दिन बन गया एक हिसाब से, सारे मिल गए है ना। को नहीं थी हमने, हम आना तो पर ही था ना राखी लेके, बट ऐसे ही थे। हनी नहीं आता, हनी हनी स्माइल यार, हनी अरे नहीं भाई, अरे हनी। सो मजे आ गए, वाह जी वाह। ये देखिए दादी ने कंडा घाट का बेसन, ये देखिए वाह जी वाह, चौथी पुश्त, क्या बात है। आप खाओ पहले, सबसे पहले आदित्य ले लो, इधर आ जाओ, लो।
काफी पॉपुलर बेसन है कंडा घाट का। और अब ना परे विक्स किचन वालों ने भी खोल दिया, वहां से सप्लाई ला रहे हैं। वाह सो टेस्टी, थैंक यू, धन्यवाद। नहीं 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 ले जाओ, नहीं खाओ आप लोग, ले जाओ। और लाए हुए आपने? नहीं रहने दो, ले जाओ ले जाओ। हम तो इतने दिनों से खा ही रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ। अरे कल भी तो था, कल भी क्या उनने नीचे से दी थी। ऊपर चले गए, आज भी ऊपर चले गए। तो आप कल गए थे नीचे? अरे आप भी गए थे। ये गए थे सुबह? नहीं नहीं मेरे को पता है, इनके थोड़ा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, जमीन जमून का काम है दादी के। वो हमने दादी से कंडा घाट वाला बेसन ले लिया है, थैंक यू। हम पहुंच चुके हैं, हमने सोचा कि थोड़े आगे आ जाते हैं, क्रेजी गिल रेस्टोरेंट जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं जो कि हमारा रोज़ का काम है। सो मैं आपको ले चलता हूँ, फिलहाल गर्ल्स पार्टी अंदर चली गई है। ये देखिए आप, ये भी हमारा फ्रेंड्स एक वन ऑफ द फेवरेट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे हमें खाना अच्छा मिल जाता है। ये देखिए, और उन्होंने साइड वाली सीट पकड़ ली है जो कि हमारी सीट है। और यहाँ से देखिए आप व्यू, और यहाँ पे कुछ खास भी है, सो वो हम आने वाले ब्लॉग में आपको बताएंगे। क्यों विजू, यहाँ पे क्या खास है वो हम अपने व्यूअर्स को आने वाले ब्लॉग में बताएंगे। यस यस, तभी हमें ये सीट काफ़ी पसंद है। एंड ये आप देख सकते हैं मुझे। पालिकाएं वापस आती हुई, रीजन बताएंगे आप क्यों आया वापस? क्योंकि हमें खाना था नॉर्थ इंडियन फूड जो कि यहाँ पे वेज थाली, स्पेशल वेज थाली जो यहाँ की थी, जो हमारे काफ़ी पसंद है, बट वो यहाँ पे अभी थी नहीं, टाइमिंग होगी इनकी कुछ। हमने सोचा ये चाइनीज ऑफर कर रहे थे, चाइनीज तो पिछले कल ही खाया है, पिछले कल भी खाया था, चाइनीज ही खाना है तो हम फिर कहीं और। हाँ यस, हाँ हम वहाँ जाएंगे, हम वहाँ भी ले चलते, वो भी काफ़ी फेमस पॉइंट है स्ट्रीट फूड का यहाँ पे। सो हम आप लोगों को इस पॉइंट पे बहुत जल्दी लाने वाले हैं, क्योंकि हम आप लोगों से कुछ शेयर करने वाले हैं। यस, एक बहुत अच्छा सरप्राइज है, सरप्राइज आप लोगों के लिए, तो सरप्राइज हाँ मतलब एक आपको बताया था कि हम खाएंगे कुछ चाइनीज, और हमारा जो एक वन ऑफ द फेवरेट स्पॉट है एक और, तो वहीं पे हम आए हैं क्योंकि यहाँ पे चाइनीज़ वगैरह बहुत अच्छा मिलता है और बहुत फेमस है यहाँ पे, भट्टा गुफर में लोकेटेड है। क्यों आप क्या बोलेंगे? तो हमने सोचा कि जब चाइनीज खाना ही है तो क्यों ना फिर यहाँ का खाए। सना को भी बताओ कि फेमस है ना सना, और सना ने एक लोकेशन बताई है हमें कि वो लोकेशन भी बहुत अच्छी है, तो हम वहाँ जाने वाले हैं और अब हम वहीं पे खाने वाले हैं। अदरवाइज हम वरना यही खा। मैं आपको दिखा देता हूँ शॉप, ये शॉप है डेली केसी पॉइंट, और इन्हीं की ब्रदर की यहाँ ऊपर शॉप है, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा मिलता है। हाँ वहाँ के डेविल मोमोज काफ़ी अच्छे हैं। सो हम यहाँ से पैक करवा रहे हैं, और इनका नेचर बड़ा अच्छा है, क्यों है ना? हाँ हाँ, दोनों भाइयों का बहुत अच्छा नेचर है, मार्केट अच्छी कैप्चर की। हाँ, और बहुत ही अच्छी मार्केट बना दी है इन लोगों ने यहाँ पे, हर कुछ फेमस है और सेल वगैरह हर चीज़ बड़ी अच्छी, और नो डाउट टेस्ट भी अच्छा है। वैसे हम अभी आपको रिव्यू करके बता देंगे, दिखा देंगे। हम अपनी लोकेशन पर पहुँच चुके हैं, और आप देखिए कितना प्यारा व्यू है। फिर यार लड़कियों को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इतना भी नहीं करना पड़ रहा है, पहाड़ी लड़कियां या पहाड़ी लड़कियां। और ये देखिए आप, पूरी संजौली का व्यू, तो जूम कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, संजौली तो सिमेट्री। वाओ, ये देखिए ऊपर चाकू पीक, हनुमान जी के दर्शन भी हो रहे हैं, इधर एस जे विनियल मल्याना आपका, ऊपर को छोटे शिमला, आपका महली, मतलब कि पूरा पूरा 360 व्यू है, क्यों क्या बोलते हैं? बहुत सही है। और अब यहाँ पे खाएंगे हम, ये देखिए, और ये देखिए ये नया ब्लॉक बन रहा है IGMC का यहाँ पे, जो ये आप बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हो, काफ़ी बड़ा कैंपस इनका है। मैं थोड़ा सा आगे अगर यहाँ जाऊँगा
और ये देखिए, और अगर आप लोगों को, आपने हमारे व्लॉग देखे होंगे, मेरा व्लॉग ज़रूर चेक करना, जो एक पुराने वाला व्लॉग मेरा था जिसमें हमने ट्री प्लांटेशन ड्राइव की है परमार्थ के साथ मिलके, एनजीओ जो परमार्थ है उनके साथ मिलके, तो उन्हीं के लिए भी हम यहाँ पे आए हुए थे। और आई थिंक यहाँ परे को हमने काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स उस समय लगाए थे, बहुत अच्छी ड्राइवरी थी, काफ़ी ज़्यादा वॉलंटियर उस समय हमारे साथ थे, तो बहुत मज़ा उस समय पर आया था। तो मैं उस समय यहाँ पर आया हुआ हूँ और उन्होंने बहुत प्लांटेशन यहाँ पे की हुई है काफ़ी पेड़ों की, तो उस समय भी काफ़ी मज़े आए थे। बट आज हम आए हैं अपनी फैमिली के साथ, एंड ये देखिए कितनी प्यारी वैली लग रही है, ये देखिए क्या प्यारा व्यू यहाँ से आ रहा है शानदार। और ये देखिए रीलैंड सब कुछ प्रोग्रेस पे है यहाँ पे ये देखिए, वाह, लुक एट द क्लाउड फॉर्मेशन, क्या प्यारे दिख रहे हैं, बहुत मज़ेदार। चलो के कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मौसम साफ है तो शिमला से ज़्यादा सुंदर जगह कोई नहीं है, कोई नहीं है। क्यों तो हमारे शिमला को भाई ऐसे देखिए, आप लोगों के सामने सामने हमारे चेहरे कितने चमक गए क्या प्यारी धूप आई। चलो ये देखिए सूरज वहाँ पे, इतना करने के बाद, घूमने के बाद, रील वगैरह बनाने के बाद हम फाइनली सेटल हो चुके हैं और अब खाने की तैयारी। और मज़े की बात क्या है, यहाँ पे आप बिना कुछ बिछाए, बिना कुछ किए अपने आराम से बढ़िया से लेट सकते हैं, आप देख सकते हैं। सो देखते हैं क्या क्या लाया हुआ है। हाँ, फैंटा, ओ वाओ, इस हाँ फ्राइड मोमोज एंड स्टीम मोमोज एंड चटनी, केचप, मेयोनीज, मुंह में पानी आ रहा है। यहाँ पे हमने लाए हैं बर्गर, 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 यम्मी यम्मी, यस यम्मी यम्मी बर्गर। चलो आ जाओ खा लेते हैं इससे पहले कि ठंडा हो जाए। यस यस, क्या करते हैं, करो इसको चटनी डालो ना एक प्लेट में, अलग अलग डाल दो, उनने डिस्पोजल में ज्यादा बोले थे मैंने उनको डालने के लिए, उन्होंने तीन ही डाले डिस्पोजल, कोई बात नहीं चटनी एक में डालते हैं, बाकी वाह। ये देखिए क्या प्यारा है, व्यू का एंजॉय हम ले रहे हैं और साथ में यमी यमी फूड आइटम्स। ये देखिए चटनी, वाह कितनी प्यारी है, और नेचुरल लाइट में इतना पूरा कलर और पूरा वो आता है ना जायका, एंड फैंटा, फैंटा कोला, पेप्सी कोला, हाथों दा किया पेप्सी कोला, शायद सुनी है वो वाली नाटी, और कुछ भाई है बहुत पुरानी नाटी भाई, बहुत सही नाटी उस नाटी की, हाथों दा किया पेप्सी कोला, छोटी साली ने घर में बोला देख देखी और का ए स्टाइल मारो स्माइल मारो ये देखिए यार ये आ जाएगा, डालो इधर। लो जी मैडम जी फैंटा, बस थैंक यू, वो थैंक यू, मेरा गिलास भी दो, चलो मैं ऐसे ही पी लूँगा। या हम खाना खा के फारिग हो चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना प्यारा हमने किया है, तो इस प्यारे को सारा का सारा कलेक्ट और न्यारा भी करना बनता है। सो गंद डाला है, हाँ वो सबसे ज़रूरी है, साफ करके गाड़ी में डालना है पैकेट पूरा, फिर घर में डाल देंगे। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, विकेतन पैराडाइज को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज़रूर फॉलो करें, और बहुत जल्द मिलते हैं हम एक और न्यू व्लॉग के साथ। बस मौसम अच्छा रहना चाहिए और अब मौसम बहुत अच्छा है, आप आएँ, सब लोगों से अनुरोध है घूमने आएँ, थोड़ा सा रोड अभी बनने वाला है हमारा, सब कुछ क्लियर होने वाला है, और आप देखिए जब अच्छा वेदर होता है तो शिमला की लुक्स बहुत ही प्यारी, क्यों तो हाँ, मिलते हैं शिमला सबसे सुंदर, यस सबसे सुंदर, थोड़ा था कि काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ आई है, वायरल हुआ है, नो डाउट नुकसान काफ़ी हुआ है, बट हम सबके लिए प्रे कर रहे हैं सब अच्छे से रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे और मौसम ख़राब ना हो, बहुत बारिशें होगी,
प्रभु अब ऐसा है इंद्रदेव बहुत बारिश होगी, अब आप हमें अच्छा सा मौसम दे दो ताकि हम भी इंजॉय करें और सारे इंजॉय करें। सो मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।